मेरा नाम रोहन, मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहू जोलरी। मेरे मॉडल का थीम है टेक्नोलॉजी एंड टॉयज, सब थीम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और मॉडल का नाम है कोरोना से ड्रोना। खेल के माध्यम से सीखना बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खिलौने का उपयोग बच्चों को उनके जीवन में कई अलग अलग कौशल सीखने में मदद करता है। खिलौने समस्या को सुलझाने के कौशल, रचनात्मकता और कल्पना को पोषित करते हैं। प्राचीन काल से ही खिलौने अस्तित्व में हैं। भारतीय खिलौने बहुत ही सरल और वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति और समाज को खिलौने द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है। शरीर और मन के विकास में खिलौनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के समय में कोरोना एक चिंता का विषय बन चुका है, परंतु 12 साल की उम्र से कम वाले बच्चों के लिए यह अधिक चिंता का विषय है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वे परेशान हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने कोरोना वायरस के खतरे के प्रति बच्चों को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न खेल तैयार किए हैं। इन खेलों के माध्यम से बच्चों को यह बताया गया है कि वे सामान्यों को अपने जीवन में अपनाकर वह कैसे कोरोना से बचाव कर सकते हैं। इन खेलों का निर्माण मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखने के उद्देश्य से किया गया है। खेलों से बच्चों को कोरोना को हराकर उससे बचाव और रोकथाम के तरीकों को जानने में सहायता मिलेगी। मैंने इस मॉडल में 3 खेलों का चुनाव किया है। पहला है जागरूकता चक्रिका, दूसरा है जागरूकता का तराजू और तीसरा है सांप सीढ़ी। मैंने जागरूकता चक्रिका को इसलिए चुना है क्योंकि चक्र ने मनुष्य के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। चाहे वह कुम्हार का चाक हो या समय चक्र या रथ का पहिया हो, चक्र ने मनुष्य के जीवन को आसान बना दिया है। इसलिए मैंने जागरूकता चक्रिका का खेल बनाया है ताकि खेल खेल में बच्चे कोरोना के प्रति जागरूक हो जाएं तथा उन उपायों को अपने दैनिक जीवन में अपना सकें। हम इस खेल में बच्चों से इस चक्रिका को घुमाएंगे और चक्रिका का जो हिस्सा इस एरो के सामने आकर रुकेगा वह कोरोना जागरूकता के प्रति बच्चे को संदेश देगा। मैंने इसमें दूसरा खेल जागरूकता का तराजू लिया है। मैंने जागरूकता का तराजू इसलिए चुना है क्योंकि तराजू संतुलन का प्रतीक है। जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम जीवन को संतुलित कर लें तो जीवन आसान हो जाएगा, इसलिए इसे जागरूकता का तराजू या तुला भी कहा गया है। तराजू के 2 पलड़े हैं। एक पलड़ा कोरोना के बचाव के उपायों को दर्शाता है तथा दूसरा पलड़ा जिससे कोरोना का फैलाव हो सकता है उसे दर्शाता है। बच्चे बारी बारी से पलड़े पर उपायों के बाट रखेंगे और उपायों का सही चुनाव उन्हें कोरोना से बचाएगा। इस मॉडल में मैंने तीसरा खेल सांप और सीढ़ी को चुना है। मैंने सांप सीढ़ी को इसलिए चुना है क्योंकि सही निर्णय जीवन में बुलंदियों तक ले जाता है तथा गलत निर्णय हमारे जीवन को गर्त में ले जाता है। इस खेल में कोरोना से बचाव वाले उपाय अपनाने पर खिलाड़ी सीढ़ी से निम्न संख्या से उच्च संख्या पर पहुँच जाएंगे और कोरोना फैलाने वाले कदमों को अपनाने पर सांप द्वारा उच्च संख्या से निम्न संख्या पर पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।